हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है और साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज भी आपको कंप्लीट कराया था। इसके साथ में आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो आज हम आपका कंप्लीट कराएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सर्किट डायग्राम्स कंप्लीट कराएंगे, उन्हें ड्रॉ करना सिखाएंगे और साथ में ओम्स लॉ के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप पेन कॉपी दे दीजिए और पहली हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले हमने कल जाना था कि जब कोई सेल को हम ऐड करते हैं तो सेल की वजह से कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है, वे सभी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब उन्हें फ्लो करने के लिए एक कंडक्टिंग पाथ की आवश्यकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो किसी एक कंडक्टिंग पाथ के ऊपर मूव करेंगे और वो पाथ कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस यानी लगातार होना चाहिए। तो ऐसा पाथ जो लगातार है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वहां पर करंट फ्लो करेगा। तो इसी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ए कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ अलोंग व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत ही आसान है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ए कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ अलोंग व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है जिससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए कि यहां पर हमने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, ऐसे आपने सेल देखा होगा। ठीक है, ये क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अब इस सेल को एक कंडक्टिंग वायर द्वारा ऐड किया जाता है। अब यहां पर आपका क्या होता है, एक बल्ब होता है। बल्ब कैसा होता है, इस टाइप का आपका बल्ब होता है। ठीक है, ऐसे बल्ब होता है और इसमें इस टाइप का एलिमेंट लगा होता है टंगस्टन का। इस टाइप से टंगस्टन का एलिमेंट लगा हुआ और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। तो एक वायर जो होता है वो इस तरीके से कनेक्ट होता है और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो एक की द्वारा क्या है, एक टैपिंग की द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, इस टाइप से एक टैपिंग की होती है जिसे हम इसके ऊपर टैप करेंगे और इस तरीके से दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होता है। तो इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव और इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा जब हम क्या करेंगे, इस की को ऑन करेंगे। तो आप देखते हो कि अभी ये जो की जो है इससे कनेक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई करंट की डायरेक्शन शो नहीं होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा जी आपका क्या हो गया, जी आपका सेल हो गया। ठीक है, और जी क्या हो गई आपकी, स्विच हो गई स्विच, और जी क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी इसमें करंट फ्लो नहीं है, अभी जी कंटीन्यूअस नहीं है। मैंने क्या बताया था कि एक कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ यानी एक ऐसा पाथ होना चाहिए जो कंटीन्यूअस हो। जब हम इस टैपिंग की को यहां से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा जी, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो जाएगा और ये बल्ब आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये पाथ कंप्लीट है। तो इस टाइप के पाथ को हम बोलेंगे कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक पाथ की आवश्यकता होती है, वो पाथ कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए जिसके अंदर से चार्ज मूव कर सकता हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इस टाइप के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ अलोंग व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो अगर हम इस सर्किट को थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग
ऑफ वायर्स रजिस्टर्स एंड स्विच बिटवीन द सेल अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से देखिए कि यहां से ये कंटीन्यूअस पाथ बन रहा है, करंट इस टाइप से मूव कर रहा है और इस टाइप से मूव करते हुए नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। तो इसी पाथ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप का पाथ क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। तो अब बेटा सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमने समझ लिया, लेकिन आपने देखा होगा कि मुझे इसे ड्रॉ करने में काफी समय लगा, ठीक है, काफी टाइम लगा। और ये काफी हम सेल को ड्रॉ करेंगे, स्विच को ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, बल्ब को भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन इन्हें ड्रॉ करने में काफी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए इन्हें इजी मेथड वे में समझने के लिए हम इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स बनाए, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम इनके सिंबल्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, या फिर कह सकते हो सर्किट सिंबल्स के नाम से भी हम जानते हैं। ये सभी वेरियस टाइप के होते हैं। तो अब दूसरी हेडिंग जो है हमारी वो क्या बेटा, सर्किट सिंबल्स, सर्किट सिंबल्स बोल सकते हो या फिर सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। तो सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि बल्ब को ड्रॉ करना है तो बल्ब को ड्रॉ करने में काफी समय लगेगा, ठीक है। अब हमें एक स्विच ड्रॉ करना है तो स्विच को भी ड्रॉ करने में काफी समय लगेगा, सेल ड्रॉ करना है तो सेल को भी ड्रॉ करने में काफी समय लगेगा। अब इस टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए और इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हमने क्या किए, इन सभी कंपोनेंट्स के सिंबल्स बना दिए। क्या किए हमने, इन सभी कंपोनेंट्स के सिंबल्स बना दिए। तो जैसे कुछ सिंबल्स मैं आपको आपके सामने बता रहा हूं, जैसे सेल का सिंबल होता है आपका, ये सिंगल सेल का सिंबल होता है, इसे हम बोलते हैं सेल, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अगर हम एक से ज्यादा सेल ऐड कर देते हैं, यानी दो सेल्स, टू सेल्स हो जाएं इस टाइप से, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी बैटरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हमें वायर को ड्रॉ करना है तो आपको हम इस तरीके से वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कहलाएगा आपका कंडक्टिंग वायर, ठीक है, कॉपर वायर होता है, चाहे कैसा भी वायर, एल्यूमिनियम वायर हो या फिर कॉपर वायर हो, ये क्या कहलाएगा आपका, कंडक्टिंग वायर कहलाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, जो रेजिस्टेंस हो गया। अब एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस टाइप से हम लगा सकते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या तो इसका दूसरा भी सिंबल होता है और इस टाइप से, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका एक नाम होता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आमीटर, ये आमीटर का सिंबल होता है, ठीक है, प्लस माइनस आमीटर, ठीक है, जिसे एम्पियर मीटर बोला जाता है, इसी टाइप से वोल्ट मीटर होता है, प्लस माइनस, ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से वोल्टेज क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब इसके बाद और भी सिंबल्स होते हैं,
जैसे ठीक है, ये क्या है, ये आपका वायर है, ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, ठीक है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे वायर क्रॉसिंग विद आउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्या होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही ये एक वायर है, इसे हम बोलेंगे जॉइंट वायर, जॉइंट वायर, ठीक है, ये क्या है, जॉइंट वायर। तो ये ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें को हम बोलते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इन्हीं ही सिंबल्स को यूज करके हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इन्हीं सभी सिंबल्स को यूज करके, वेरियस सिंबल्स को यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले हमने सिंबल्स को समझ लिया, ये आपका सेल होता है, ये आपकी बैटरी होती है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, दो सेल हो, थ्री सेल्स हो, फोर सेल्स हो, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी बैटरी बन जाएगी। ये आपका क्या होता है, कंडक्टिंग वायर होता है, ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, और इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिस्टेट बोल सकते हैं, यानी इसके रेजिस्टेंस को हम कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके रेजिस्टेंस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एमीटर, वोल्टमीटर का ये सिंबल्स होते हैं, जॉइंट वायर का सिंबल ये होता है, एक होता है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को हम जी से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, जी से, ठीक है, इस टाइप से। तो गैल्वेनोमीटर को भी हम कैसे जॉइंट करते हैं, सीरीज के साथ, कैसे, सीरीज में जॉइंट करते हैं। एमीटर और गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में जॉइंट करते हैं, जबकि वोल्टमीटर को हम अप्लायंसेस या फिर रेजिस्टेंस के साथ कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो आप इस बारे में समझ गए होंगे कि सिंबल्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सिंबल क्या सिंबली रिप्रेजेंट करना है, क्या कहलाएगा आपका, क्या बोलते हैं उन्हें, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को उनके सिंबल्स द्वारा रिप्रेजेंट किया। एक वो मेन इंपोर्टेंट जो सिंबल है, इसे हम बोलते हैं बल्ब, ठीक है, ये क्या आपका बल्ब का सिंबल है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, क्या है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स। तो कंपोनेंट सीखने के बाद क्या आएगा आपका, डायग्राम्स ड्रॉ करना सिखाएंगे कि हम डायग्राम्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका सर्किट डायग्राम्स का होगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, तो हम इसी तरीके से आपको समझाते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं, आपने बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ किए होंगे, ठीक है, बहुत सारे डायग्राम आपको सिमिलरली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कहीं पर आप पाथ पर जाते हो तो वहां पर आपको एरो दिखाई देते हैं, ठीक है, इस टाइप के डायग्राम्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सर्किट्स के डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमने कंपोनेंट्स के सिंबल्स सीखे हैं, उन सिंबल्स को यूज कर हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी एक कंप्लीट सर्किट को ड्रॉ करके देखेंगे। तो अब चलो देखते हैं कि सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाएगा। कि हम मान लेते हैं एक सर्किट में एक बल्ब जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, बल्ब जुड़ा हुआ है, दूसरा एक स्विच है, ठीक है, स्विच जुड़ा हुआ है, तीसरा एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, सेल जुड़ा हुआ है, और एक जुड़ा हुआ है आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस है, या फिर रहने दीजिए वोल्ट मीटर कहां से जुड़ा हुआ, बल्ब के साथ जुड़ा हुआ। तो अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे,
और हमें चाहिए क्या, कुछ दे रखे हैं हमें कंडक्टिंग वायर्स, क्या दे रखे हैं, कंडक्टिंग या फिर कंडक्टिंग वायर्स को क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिंग वायर्स ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स। तो इसकी वजह से हम सबसे पहले हमें बल्ब का डायग्राम पता होना चाहिए, सिंबल्स क्या होता है। तो बल्ब का सिंबल्स क्या होता है बेटा, ये बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच जोड़ेंगे, ठीक है। तो स्विच जोड़ने के लिए पहले वोल्ट मीटर भी है, इसके अंदर ये बल्ब दे रखा है, स्विच दे रखा है, सेल दे रखा है, वोल्ट मीटर दे रखा है, और हमें कनेक्टिंग वायर्स दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, बल्ब ड्रॉ कर दिया, बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब हमने लगा दिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वायर का यूज करेंगे। तो कनेक्टिंग वायर का यूज करने के लिए हमने क्या बताया था, ये टर्मिनल है इसके ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, एक सेल जोड़ देंगे, इस टाइप से हमने सेल को कनेक्ट कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, हमेशा प्लस वाला प्लस के साथ कनेक्ट होता है और माइनस वाला माइनस के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अभी एक स्विच और बाकी है, तो स्विच को आप हम यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, इस जगह हम स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं, ये स्विच का साइन, ठीक है। तो अब देखिए बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, तो इस टाइप से हमने स्विच लगा दिया, ठीक है। सेल हो गया, जी हाँ सेल हो गए, और क्या वोल्ट मीटर हो गया, जी हाँ वोल्ट मीटर हो गया, और कनेक्टिंग वायर्स, यानी कनेक्टिंग वायर्स, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कनेक्टिंग वायर्स है, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग वायर्स हो गए, तो हम इसे लिखेंगे, ये क्या हो गया सेल, और ये क्या हो गया स्विच, ठीक है, और ये आपके कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया सर्किट डायग्राम, हो गया क्या हो गया आपका सर्किट डायग्राम। अब इसी तरीके से हम एक और सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। तो आपने क्या सीखा कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, कि देखिए ए सर्किट डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन हम लिखते हैं, ए सर्किट डायग्राम विच इंडिकेट्स indicates how different electrical components in a circuit have been connected by using electrical symbols for electrical components Circuit diagrams, ठीक है। तो circuit diagrams क्या होते हैं, ए circuit diagram which indicates how different electrical components in a circuit have been connected by using
इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि किसी सर्किट डायग्राम के अंदर, ठीक है, कोई भी सर्किट डायग्राम है तो वो सर्किट डायग्राम हमें ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सर्किट्स के अंदर यूज हो रहे हैं उन्हें किस तरह सिंबल्स के थ्रू क्या किया, जो सर्किट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उन्हें सिंबल्स के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सर्किट जो डायग्राम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ और सर्किट्स देख लेते हैं। जैसे एक सर्किट ये है कि यहां पर दो बल्ब हैं, ठीक है, वो आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमने इन्हें एक सेल से या फिर एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस और ये माइनस, ये ए पॉइंट है और आपका ये बी पॉइंट है। तो ये दो बल्ब हैं और ये दोनों के दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो कैंडी डायरेक्शन क्या होगी, इस टाइप से कैंडी डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहां से इधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा और यहां से दोनों का एंड मिलकर यहां पर कैंडी डायरेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मौजूद है और उन्हें यहां पर कैसे शो कराया गया है, सिंबल्स द्वारा शो कराया गया है। देखिए, कंडक्टिंग वायर को हमने एक रे द्वारा या फिर लाइन द्वारा शो कराया गया है। ठीक है, बल्ब को इस टाइप के सिंबल्स द्वारा शो कराया गया है। ठीक है, हर्ट जैसे सिंबल द्वारा शो कराया गया है। तो ये आपको ये और ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, यानी सर्किट डायग्राम्स बोला जाएगा। तो सर्किट डायग्राम्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को उनके सिंबल्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे क्या है कि हमारा टाइम भी बचता है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, और सर्किट डायग्राम बेस इंडिकेट्स हाउ, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ एक दो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम इन्हें मिटा रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट में थ्री बल्ब्स कनेक्टेड, कितने बल्ब कनेक्टेड हैं, थ्री। तो एक सर्किट के अंदर थ्री बल्ब्स हैं, ठीक है, सर्किट सभी के सेपरेट स्विचेज हैं, यानी फोर स्विचेज हैं, कितने हैं, फोर स्विच ऑपरेट करने के लिए, सभी को अलग अलग ऑपरेट करने के लिए स्विच है। कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर तीसरा है थ्री सेल बैटरी दे रखी है, थ्री सेल्स बैटरी दे रखी है। ठीक है, चौथा कनेक्टिंग वायर दे रखे हैं। कनेक्टिंग वायर दे रखे हैं, ठीक है, एक पांचवा आमीटर दे रखा है, आमीटर दे रखा है और बस इतना ही। तो अब इस सर्किट को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्री बल्ब्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, थ्री बल्ब्स को पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो एक बल्ब तो ये हुआ, दूसरा बल्ब, तीनों को पैदल लगा दीजिए, तो तीनों को हमने क्या कर दिया, पैदल लगा दिया। ठीक है, ये हमने तीनों को पैदल लगा दिया और तीनों के अंदर क्या है, एक एक स्विच लगा रखा है, तो ये स्विच का ये सिंबल होता है, एक एक स्विच लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों के साथ एक स्विच लगा दिया। ठीक है, और तीनों को कैसे कनेक्ट करना है, हमें इसे पैदल कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने इन्हें पैदल कनेक्ट कर दिया और इन्हें तीन सेल की बैटरी द्वारा कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आमीटर लगाना है, तो आमीटर हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो तीन सेल की बैटरी, एक सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ठीक है,
इस टाइप से, और साथ में क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, एक स्विच यहां पर भी लगा हुआ है। ठीक, तो क्या लगा हुआ है, थ्री वॉल्स हो गए, तो यहां पर हमने थ्री वॉल्स कनेक्ट कर दिए। ठीक है, दूसरा क्या है, चार स्विच है, तो एक दो तीन चार स्विच हो गए। ठीक है, थ्री सेल बैटरी है, तो ये बैटरी हो गई, थ्री सेल बैटरी। ठीक है, ये बैटरी हो गए, कनेक्टिंग वायर, तो ये सभी कनेक्टिंग वायर लगे हुए हैं। ठीक है, और आमीटर, तो आमीटर लगा हुआ है, तो आमीटर प्लस और ये माइनस, ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगा दी, तो आमीटर का प्लस प्लस के साथ कनेक्ट होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से कनेक्ट हुआ। ठीक है, और आमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता था, इसलिए हमने आमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया। हमने पहले आपको बताया था ना, आमीटर करंट को मेजर करता है, वो आमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, सर्किट के सीरीज में, यानी सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी जो अप्लायंस है उनके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला बल्ब हो गया। ठीक है, ये बल्ब हो गए। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, एक सर्किट डायग्राम बन गया। अब ये कहते हैं कि तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं, तो तीनों बल्ब ग्लो करने के लिए सबसे पहले हम इस स्विच को, ये क्या है, स्विच, स्विच को ऑन करते, तो यहां से सर्किट चालू हो जाता, और इन तीनों को भी हमें क्या करना पड़ता, स्विच, इन्हें हम K1 K2 और K3 से ग्राउंड कर सकते हैं, और इसे हम K से ग्राउंड किया जा सकता है। ये सभी क्या बल्ब है, ये आमीटर, ये क्या आपका आमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। तो मैं आशा करता हूं आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना सीख गए होंगे। तो यहां पर थ्री बल्ब दिए हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थ्री बल्ब को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, तीनों बल्ब के लिए सेपरेट की दे रखी है, तो सेपरेट की लगा दी। ठीक है, आर्मीटर दे रखा है, तो आर्मीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। ठीक है, कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर लगे हुए हैं। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है आपका, थ्री सेल बैटरी दे रखी है, तो थ्री सेल बैटरी हो गई, और ये मेन की दे रखी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके सर्किट डायग्राम्स कंप्लीट हो गए।